Hi everyone welcome or welcome back to my channel thank you very much for tuning into this video if you are someone who's already subscribed then you might know me but for those who are new to this channel hi my name is shyamali and in this channel i post content related to fashion and beauty so if it's something that you might like watching do consider subscribing i post videos every sunday also i'm active on shorts as well so stay tuned for that now without much blabbering let's just jump into the video so as by the title of the video you might have already known aaj ka video hone wala hai, Misho outerwear haul maine sweatshirts or hoodies mangwaye the meesho se jaldi se dekh lete and is it worth buying or not so let's quickly talk about our first item दिस इज़ द फर्स्ट आइटम ऑफ दिस हॉल एंड ये एक बहुत ही प्यारा सा ब्लैक कलर का स्वेट है जो मैंने एम साइज में लिया था ये मुझे थोड़ा सा बैगी चाहिए था क्योंकि ऐसे विंटर वेयर मुझे बैगी ही पसंद है इसी वजह से मैं एम साइज के लिए गई थी लेकिन साइजिंग में थोड़ा सा इश्यू है एम होकी भी ये मतलब बहुत ही फिटेड काइंड ऑफ़ लग रहा है मुझ पर आप ट्रायन पे देख ही पा रहे होंगे तो ये मुझे आई थिंक फोर हंड्रेड समथिंग या थ्री हंड्रेड समथिंग का पड़ा था और इसमें ऐसा एक डिजाइन बना हुआ है बी काइंड टू योर सेल्फ लिखा हुआ है प्रिंट अच्छा है इसका जैसा दिखाया था पिक्चर में वैसा ही आया है मटेरियल लेकिन इसका थोड़ा सा लाइट है उतना थिक नहीं है अंदर से ये फ्लीस लाइन है दैट्स अ वेरी गुड थिंग विंटर के लिए फ्लीस लाइन कपड़े बहुत अच्छे होते हैं आपको बहुत वार्म रखेंगे तो द फ्लीस लाइनिंग इज अ गुड बट मैंने इसको थोड़ा सा और हैवी एक्सपेक्ट किया था मतलब पिक्चर में देख के तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा हैवी आएगा लेकिन इसका फैब्रिक थोड़ा सा लाइट है पूरा लाइट भी नहीं मतलब मॉडरेट काइंड ऑफ है प्लीज है ये अच्छी बात है इसका तो मतलब लाइट होने के बाद भी आपको ये थोड़ा सा वार्म जरूर रखेगा लेकिन बहुत ही विंटर्स के लिए आप इसको ऑन इट्स ओन नहीं पहन पाएंगे आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी लेकिन मॉडरेट वेदर के लिए यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस अच्छा है जैसा दिखाया था वैसा ही आया है लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपको ये थोड़ा सा बैगी फिट में चाहिए तो आप अपने से दो साइज बड़ा ले जैसे कि मुझे नॉर्मली एस साइज फिट आता है तो मैंने एक साइज बढ़ा लिया एम लेकिन ये भी मतलब थोड़ा सा फिट जैसा ही लग रहा है तो आई शुड हैव गॉन फॉर एल एल शायद से मुझ पर ओवर साइज लगता वही एक बात अच्छी नहीं लगी मुझे इसमें कि मतलब एम होने के बाद भी वो थोड़ा सा बड़ा ओवर साइज काइंड ऑफ इफेक्ट नहीं है बहुत ही फिटेड सा लग रहा है इसी वजह से मैं थोड़ी सी डिसपॉइंटेड जरूर हूँ ये एक फुल स्लीव स्वेट है और नीचे यहाँ ऐसे सिंचिंग दिया गया है और इसके यहाँ पे भी ऐसा थोड़ा सा सेंचिंग दिया गया है उतना भी नहीं तो ऑल इन ऑल ये मुझे अच्छा लगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है लेकिन और थोड़ा अगर अच्छा होता तो इट वुड हैव डेफिनेटली बिन बेटर मैं इसको फाइव में से फोर रेट करूँगी अगर थोड़ा सा और मटेरियल अच्छा होता और थोड़ा सा इसका फिट और अच्छा होता तो ये ज़रूर से फाइव ऑन फाइव ज़रूर होता इसका एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे नहीं मालूम मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी आप चेक कर लेना और अगर आपको ये देख के अच्छा लगा और आपको खरीदना है देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना मैं वहाँ पे सारे ही लिंक्स दे दूंगी तो आप लोग वहाँ से शॉप कर सकते हैं सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस स्वेट अब हम चलते हैं हमारे हॉल के सेकेंड आइटम की ओर ओके सो दिस इज द सेकेंड आइटम ऑफ दिस हॉल एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस आई मीन इट्स अ वेरी हैवी इट्स अ टू दिकर साइज लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें इसका ये जो प्रिंट है जो कि बहुत ही क्यूट सा एक पांडा काइंड ऑफ है ये मतलब दूर से तो ठीक लग रहा है लेकिन पास से इसका क्वालिटी थोड़ा सा मतलब चीप लग रहा है इसका प्रिंट शायद से धोने पे ये निकल भी सकता है आई डोंट नो बस वही एक प्रॉब्लम लगा मुझे इसमें ये बहुत ही एक प्यारा सा लाइलेक कलर में है लाइलेक कलर तो बहुत ट्रेंड हो रहा है और ये भी अंदर से फ्लीस लाइन है ये एक हुडेड स्वेटशर्ट है इसमें ऐसा एक हुड दिया गया है ये फुल स्लीव्स में आता है और इसके हाथ के ऐसे नीचे भी सिंचिंग दिया गया है नीचे थोड़ा सा ही दिया गया है उतना ज्यादा नहीं है बहुत अच्छा लगा मुझे ये स्वेटशर्ट पर्सनली इसमें भी मैंने एम साइज लिया है लेकिन साइजिंग में इसका भी वही इशू है मतलब एम होने के बाद भी ये मतलब उतना बैगी या ओवर साइज नहीं है बहुत ही फिटेड काइंड ऑफ रहता है तो मैंने जैसे बोला अगर आपका साइज एस है देन गो फॉर एल एक्सएल तभी आपको थोड़ा सा बैगी लगेगा वरना आपको बहुत ही फिटेड काइंड ऑफ रहेगा इसका फिट और ये बहुत मैंने जैसे बोला पूरा थिक मटेरियल है इसका बहुत ज़्यादा ठंडियों में भी आप इसको ऑन इट्स ओन पहन पाएंगे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी पूरा थिक है इसका मटेरियल बहुत पसंद आया मुझे ये भी शायद से मुझे 300 समथिंग या 400 समथिंग का पड़ा था आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द प्राइस मैं स्क्रीन पे सारे ही प्राइसेस मेंशन कर दूँगी आप चेक कर लेना और इसके फ्रंट में ऐसे अटैच काइंड ऑफ पॉकेट्स दिए गए हैं जिसके पीछे भी फ्लीस का लाइनिंग दिया गया है पॉकेट में जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये स्वेट शर्ट पर्सनली बिल्कुल वर्थ इट है मतलब इतने कम प्राइस में ये स्वेट शर्ट मिलना इज लाइक अ सील डील मतलब मीशो कभी कभी तो बहुत ही शॉक कर देता है इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भेज के लेकिन कभी कभी इतने खराब प्रोडक्ट्स भेजता है कि क्या बताऊ मतलब मैं इस हॉल में भी मेरे साथ एक गुगली हो चुका है मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगी सो कीप ऑन वॉचिंग तो इस स्वेटशर्ट की बात करें तो मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली फाइव में से अगर आप मुझे पूछें मैं इसको फाइव में से फाइव ही रेट करूंगी बहुत ही अच्छा सा है अगर आप एक प्यारा सा हुडी ढूंढ रहे हैं बहुत ही क्यूट एंड थिक जो कि आपको वार्म भी रखे और आप पे क्यूट भी लगे देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस मुझे बहुत पसंद आया मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आप एक अच्छा सा स्वेट ढूंढ रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस मैं इसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेक कर लेना और वहां से आप खरीद लेना सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस हुडी एज़ वेल अब हम चलते हैं हमारे हॉल के तीसरे आइटम की ओर ओके सो दिस इज द थर्ड आइटम दैट वी हैव एंड ये बहुत ही एक प्यारा सा पिंक कलर में है मेरे पास एक ऐसा पिंक स्वेटशर्ट या कुछ भी मतलब ऐसा विंटर था नहीं तो मैंने पिंक ले लिया ये भी मुझे शायद से फोर समथिंग या 300 समथिंग का पड़ा था इसमें ऐसे फ्रंट में ग्रीन कलर में ब्रुकलिन प्रिंट किया गया है और ये भी मैंने एम साइज का लिया था और इसमें भी वही इशू है कि ये मतलब ओवर साइज नहीं है बिल्कुल भी बहुत ही फिटेड काइंड ऑफ है तो आपको इसमें भी साइज अप करना पड़ेगा और एक साइज नहीं आप दो तीन साइजेस अप ले तभी आपको ये ओवर साइज वाला इफेक्ट देगा और जैसे वो ब्लैक वाला था इसका भी मटेरियल वैसा सा ही है थोड़ा सा लाइट है ये भी अंदर से फ्लीस लाइन है जो बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं प्रिफर करती अगर मटेरियल थोड़ा और थिक होता तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंडियों में भी आप इसको ऑन इट्स ओन पहन पाते लेकिन अभी बहुत ज्यादा ठंडियों में आपको इसके साथ लेयरिंग करनी पड़ेगी आप ये इट्स ओन नहीं पहन पाएंगे आपको ये मतलब उतना लेवल तक वार्म नहीं प्रोवाइड करेगा ऑफ कोर्स थोड़ा सा वार्म प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसमें फ्लीस भी है लेकिन उतना लेवल तक नहीं कि आप इसको ऑन इट्स ओन पहन के जा सके अभी के वेदर में तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात है इसकी लेकिन बाकी तो बहुत अच्छा है कलर बहुत अच्छा है ये फुल स्लीव में आता है और यहाँ भी ऐसे स्टिचिंग या गया है और ये राउंड नेक में आया है इसका एग्जैक्ट प्राइस भी मुझे नहीं पता मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी आप चेक कर लेना कुछ खराब नहीं है इसमें बस थोड़ी सी और अगर क्वालिटी अच्छी होती तो इट वुड हैव बीन परफेक्ट मैं इसको मेरी तरफ से फाइव में से फोर रेट करूंगी अगर क्वालिटी थोड़ा सा और अच्छा होता और फिट थोड़ा सा और बैगी होता तो मैं इसको जरूर से फाइव वन फाइव दे देती अगर आपको एक क्यूट सा पिंक कलर का स्वेटशर्ट चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बट कीप इन माइंड कि ये थोड़ा सा लाइट आएगा तो आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी लेकिन दिखने में बहुत प्यारा लगा मुझे ये मतलब इसका कलर भी बहुत ही प्यारा सा पिंक शेड में है ये शेड मुझे बहुत पसंद आता है और बहुत ही क्यूट एंड गर्ली वाइब देता है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बस यही कि थोड़ा सा लाइट है वही आपको याद रखना है खरीदने से पहले और इसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेक कर लेना और आप वहां से खरीद लेना सो दैट्स इट अफोर्ड दिस स्वेटशर्ट शर्ट एज वेल अब हम चलते हैं हमारे हॉल के आखिरी आइटम की ओर जिसके साथ एक गुगली भी हो गया मैंने जैसे बोला था तो अभी आपको पता चलेगा कि क्या गुगली हुआ मेरे साथ ओके सो दिस इज़ द लास्ट आइटम दैट वी हैव एंड जो मैं गुगली के बारे में बात कर रही थी वो ये है कि इसके साथ मैंने एक और वाइट फर काइंड ऑफ हुडी भी मंगवाया था वो ऐप पर तो डिलीवर्ड दिखा रहा है लेकिन मुझे वो रिसीव ही नहीं हुआ इसी के साथ सेम पैकेट में उसका बाहर मतलब लिखा था कि वो भी है पैकेट देख के ही मुझे पता चल गया था कि मतलब उसमें नहीं है वो मैं कस्टमर केयर से बात करूंगी आई डोंट नो मीशो पे इतना अच्छा नहीं है कस्टमर केयर सर्विस और वो लोग ज्यादा मतलब आपको हेल्प प्रोवाइड नहीं करते तो ये बहुत खराब बात है आजकल तो ऐसा हो रहा है कि मतलब आपका स्टेटस भी अपडेट नहीं होता कि डिलीवर्ड हो चुका है मतलब डिलीवर्ड होने के बाद भी वो कैंसिल दिखाता है तो अगर आपका प्रोडक्ट खराब भी आया तो मतलब आप आप वो रिटर्न या रिप्लेस कुछ भी नहीं करवा सकते क्योंकि वहां वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि आपको वो ऑर्डर पहुंचा ही नहीं लेकिन आपको वो ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका होता है तो मीशो पे शॉप करना इज अ वेरी रिस्की बट वरी नॉट अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ है जो आप खरीदना चाहते हैं बट थोड़ा सा आपको रिस्की लग रहा है एंड इफ यू वांट अ मी टू रिव्यू इट देन आप मुझे उस प्रोडक्ट के पिक्चर्स या लिंक शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे मैं अपना आई नीचे मैंशन कर दूंगी आप वहाँ पे मुझे डी कर देना और मैं जरूर से वो आपके लिए रिव्यू कर दूंगी ताकि आप बेझिजक होके वो खरीद पाए नाउ कमिंग बैक टू दिस स्वेट ये मुझे एक ही रिसीव हुआ है डोके के प्राइस में तो ये एक ब्लैक कलर का स्वेटशर्ट है जो बहुत ही अच्छा है मुझे इसका मटेरियल भी बहुत पसंद आया ये बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है मॉडरेट सा है लेकिन वो पिंक या अदर वन जो ब्लैक था उससे तो बहुत अच्छा है इसका फैब्रिक और इसमें ऐसा हुड आता है और ये भी फ्लीस लाइन है इस हॉल के सभी आइटम्स के अंदर ही फ्लीस लाइनिंग दिया गया है जो इसको विंटर के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट बनाता है और ये ब्लैक कलर में है और यहाँ पे ऐसा एक बहुत ही क्यूट सा प्रिंट किया गया है जिसमें आई एम नॉट लेजी आई जस्ट एंजॉय डूइंग नथिंग और एक पांडा बना हुआ है जो कि मेरे बारे में ही बात कर रहा है आई एंजॉय डूइंग नथिंग एंड आई जस्ट लाइक टू स्लीप तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ पे ये प्रिंट देख के ही आई वॉज लाइक आई हैव टू दिस बहुत ही क्यूट लग रहा है ये और जैसे मैंने बोला फ्लीस लाइनिंग है तो आपको वार्म रखेगा ये भी फुल स्लीव्स में आता है यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे सिंचिंग दिया गया है और नीचे भी इसका थोड़ा सा सिंचिंग है और इसके फ्रंट में ऐसे अटैच पॉकेट्स है जिसके अंदर भी फ्लीस लाइनिंग दिया गया है तो आपके हाथों को भी ये बहुत ही वार्म रखेगा ये बहुत अच्छा है इसके बारे में इसमें भी मैंने

और प्राइस के अकॉर्डिंग आई लाइक दिस वेरी मच मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग और प्रिंट भी अच्छा है बहुत ही क्यूट सा प्रिंट है तो आपको ये वार्म रखने के साथ साथ ये क्यूट भी फील करवाएगा सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर श्योर एंड आई दिस अ रेडीजी फॉर श्योर मुझे बहुत अच्छा लगा इसका क्वालिटी इट्स अ वेरी गुड वेरी सॉफ्ट वेरी कंफर्टेबल वेरी कोजी और आपको बहुत ही वार्म फील करवाएगा सो इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ क्यूट ब्लैक हुडी देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस मैं इसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेक कर लेना सो दबाउट इट फॉर दिस हु एज वेल और इसी के साथ हमारा आज का हॉल यहीं पे खत्म होता है और एक हुडी मैंने ऑर्डर किया था लेकिन वो आया नहीं अब क्या कर सकते हैं कस्टमर केयर से मुझे बात करनी पड़ेगी लेकिन आज के लिए बस इतना ही मैं सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको कुछ भी खरीदना है देन आप वहां से खरीद सकते हैं सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और अगर आपके पास कुछ भी सजेशंस हो मेरे लिए देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो मैं जरूर से उन्हें कंसिडर करूंगी एंड आई सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट संडे बाय